जा रहे हैं और अगर आप कामयाब होते हैं तो उस सूरत में ये पार्टी जो है वो सफा हस्ती से मिट जाती है? नहीं, देखिए ये जो है ना, ये टिपिकल फियर इंडिया करने का मैकेनिज्म है कि इतना बड़ा इसका फॉल आउट होगा तो दरमियान में जो मेन कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने ये अमल किया वो इससे बच जाए। ये बड़ा टिपिकल फियर इंडिया। इस वक्त बात हो रही है कि क्या गैर कानूनी फंडिंग हुई है, कौन लोग उसमें मुलव्वस थे और इतने सीरियस जो ऑफेंसेस जो मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। एक दफा जब ये साबित हो जाए तो सबसे पहला इंपैक्ट इसका ये होगा कि वो तमाम पैसे जब्त होंगे वहां की सरकार। जो लोग भी इस इलीगल काम में मुलव्वस थे, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग चाहे कुछ, फिर उन पर ताहयात पाबंदी भी लगती है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। और ये जो पाबंदी की बात है, ये तो एक कानून का एक्सट्रीम पहलू है। क्या इलेक्शन कमीशन पर जाता नहीं? मेरी कतन ये ख्वाहिश नहीं है, मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ पीटीआई इंशाल्लाह इस प्रोसेस के जरिए ना बैन होगी ना डिसॉल्व होगी, लेकिन पीटीआई एक इदारा बनेगी जिसमें तमाम अकाउंटेबल होंगे और एक इदारा कानून के नीचे बनेगी और ये सियासी जमात।